आज हम चिली चीज़ टोस्ट दो तरीके से बनाएंगे, तो माइक्रोवेव के साथ बनाएंगे और बिना माइक्रोवेव का एक बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम सॉफ्ट बटर में थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक ऐड करेंगे, उसके बाद अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे। फिर ब्रेड का एक स्लाइस लेके गार्लिक बटर थोड़ा ऊपर से डाल लेंगे, अच्छे से डाल देंगे। उसके बाद चॉप चिलीज को हम ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। हमने यहाँ चार ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, उसमें से दो में मैंने ग्रेटेड चीज़ डाल दिया। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, अगर ना मिले तो कोई भी चीज़ ब्लॉक को आप ग्रेट कर सकते हो। बाकी दो स्लाइसेस में मैं चीज स्लाइस डाल रहा हूँ, ये आप कोई भी ब्रांच का डाल सकते हो। अभी ऊपर से मैं थोड़ा सा चॉप कोरिएंडर डाल दूंगा और फिर इसे माइक्रोवेव में ग्रिल करेंगे। याद रखना, माइक्रोवेव को ग्रिल में रख के 1.5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेना। मेरा माइक्रोवेव प्रीहीट हो गया। अभी ये ग्रिलिंग स्टैंड में मैं दोनों ही स्लाइसेस को रख के 2 मिनट के लिए ग्रिल करूंगा। चलो देखते हैं कि कैसे बना हम लोगों का चिली चीज टोस्ट। जैसे कि हम लोगों को अच्छे से ग्रिल हो गया और चीज भी मेल्ट हो गया, अभी ऊपर से हमको चिली फ्लेक्स डालना है और फिर हम ब्रेड स्लाइसेस को डायगोनली कट कर लेंगे। तो बन गया आपका क्विक एंड सिंपल चिली चीज टोस्ट। अभी बिना माइक्रोवेव में चिली चीज टोस्ट बनाने के लिए हम लोगों को एक सॉस पैन या तो एक तवा लेना पड़ेगा। तवे में मैंने दोनों ही ब्रेड स्लाइस को डाल दिया और ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। याद रखिए, लो फ्लेम में हम लोगों को इसको पकाना है और 2 से 3 मिनट लो फ्लेम में इसको छोड़ना है। अभी जैसे कि आप देख सकते हो कि हम लोगों का दोनों ही स्लाइस बहुत अच्छे से पक गया। नेक्स्ट अब ब्रेड स्लाइसेस को प्लेट में निकाल लीजिए और फिर चिली फ्लेक्स डाल के डायगोनली कट कर लीजिए। तो बन गया आपका चिली चीज टोस्ट। घर पे ट्राई कीजिए और अगर अच्छा लगे भूलना मत मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए, मेरा चैनल दीपंस डेलिकेसी, और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंचे।